हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिकास आर्ट ऑफ कुकिंग। लेट्स गो फॉर टुडेज रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे वेरी हेल्दी एंड टेस्टी शेजवान पराठा। तो शेजवान पराठा बनाने के लिए पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में यहाँ पर 5 चम्मच तेल ले लिया है। तेल में मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन मैंने कभी कुछ कर लिया था। इसे थोड़ा सा चला लेंगे। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ पत्ता गोभी। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इस हिसाब से मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं। मैं आपको सही क्वांटिटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, 3 वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अच्छे से इसको चला लेंगे। सारे वेजिटेबल्स को हमें अच्छे से भून लेना है। जब तक स्टफिंग रेडी होती है तब तक हम डोभी बना लेते हैं एक साइड। इसे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा मैंने डो रेडी करके रखा है। साथ ही हमें सब्जियां भी भून रही है। इसे चलाते हुए भूनें अच्छे से। ये पराठा इतना हेल्दी है क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स जा रही है और आटा जो हम रेडी करते हैं वो नॉर्मल डो है, होल व्हीट का डो है, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। नॉर्मल आटे को ही, गेहूं के आटे को नमक डाल के मैंने भून लिया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। थोड़े मसाले ऐड कर देते हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च, ये आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना तीखा आपको पसंद है। थोड़े सा गरम मसाला, मैं वापस से 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। जितनी आपकी स्टफिंग टेस्टी होगी उतना ही पराठा अच्छा बनेगा। एक टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हमारे सारे मसाले ऐड हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पोटैटो, जो मैंने उसे उबाल कर उसे ग्रेट कर कर ले लिया है, हरा धनिया, इसे भी मिक्स कर लेते हैं।
पोटैटो मिक्स करने के बाद हमें स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। एक 5-10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये अब हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ शेजवान चटनी, 2 से 4 बड़े चम्मच। टोमेटो सॉस टेस्ट के अकॉर्डिंग। और पनीर मैंने ग्रेट कर लिया था। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम पराठा बनाते हैं। अब सबसे ज़रूरी प्रोसेस, इसे बनाना कैसे है। बेलने में हम लेंगे एक डो, 2 इक्वल साइज के पीस कर लेंगे उसके। इसको आटे में लपेट के रोटी की शेप का गोल बेल लेंगे। रोटी बेल कर हम साइड में रख लेंगे और सेम प्रोसेस इसकी भी रोटी बेल लेते हैं। ये मेरी रोटी मैंने बेल ली है। गैस पर मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इस पर हम हमारी स्टफिंग लगाएंगे। अच्छे से स्प्रेड कर ले। इसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे चीज, जितना भी आपको पसंद हो। इस पर मैंने चीज डाल लिया है। अब इसे हमारी पहली वाली रोटी से कवर करते हैं, इसके साइड्स। इसे थोड़ा और बेल लेते हैं। अब इसको हम पैन पे डालेंगे। पैन मैंने गैस पर रख दिया है। पैन हमारा गरम है, हम इसे गरम पैन पे डाल देंगे। अच्छे से एक साइड से सेकने दें, फिर हम इसे पलट देंगे।
इस पर हम बटर लगा देंगे। बटर के साथ इसे पलट देंगे। ये साइड भी बटर लगा देते हैं। और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा पराठा, शेजवान पराठा, स्टफ पराठा जो भी है कितना यमी बना है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा दही के साथ या फिर शेजवान चटनी सॉस आपके पसंद के अकॉर्डिंग। इस पर आप चाहे तो ऊपर से चीज़ और डाल सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।